पूर्णिमा शिवा नमस्ते। जून के महीने में दो दो ग्रहण पड़ रहे हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो कुंभ राशि वालों के लिए इसका क्या इफेक्ट रहेगा उसके बारे में ये शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, जून महीने में दो ग्रहण है। 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ेगा जो कि मिथुन राशि में पड़ेगा, और 5 जून को चंद्र ग्रहण पड़ेगा जो वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। तो कुंभ लगन वाले और कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण की जो स्थिति निर्मित हो रही है वो पंचम और एकादश में बन रही है। पंचम और एकादश में बनने की वजह से इन्हें क्या परिणाम मिलेंगे? देखिए, अभी वर्तमान में जून के महीने में 6 ग्रह जो है वक्री स्थिति में है, और कुछ ग्रह हैं जो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे कि 14 जून को सूर्य वृषभ राशि छोड़कर के मिथुन में आ जाएंगे, जहाँ पे पहले से राहु बैठे हुए हैं, और शुक्र जो है 18 जून को वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन में आएंगे, जहाँ की पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। वो वही 21 जून को जब सूर्य और राहु बहुत क्लोज डिग्री पे कंजंक्ट होंगे तो वहां पे ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी। तो ओवरऑल आपके राशि के लिए क्या इफेक्ट पड़ने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए मैं बता रही हूँ। देखिए, अभी तो आपका जो टाइम है वो काफी अच्छा ही जा रहा है। ये तो आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज से, आपके लाइफ पार्टनर के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए, इन सारी चीजों के लिए भी आपका ये समय करीब 14 अप्रैल से, सॉरी 14 मई से लेकर के 14 जून तक का जो टाइम रहेगा वो ठीक है। लेकिन जब ये शुक्र और सूर्य दोनों ही पंचम स्थान में पहुंचेंगे, तो पांचवें स्थान में पहुंचने के कारण जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत आपको पड़ेगी। क्योंकि पांचवा स्थान क्या है, आपके संतान का और शिक्षा का, प्रेम संबंधों का, आपकी क्रिएटिविटी का है। और एकादश स्थान जो है वो आपके समस्त शिक्षा पूर्ति का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है, बड़े भाई बहनों का है। तो आपको इस पीरियड में विशेष रूप से एक तो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के आपको, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर का लॉर्ड है वो ग्रहण में आ रहा है, तो आपको अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर की ओर विशेष रूप से सजगता रखने की जरूरत है। उनका स्वास्थ्य, उनके साथ जो संबंध आपका है उस ओर आप कुछ भी ऐसा नहीं करिएगा कि आपकी चीजें बिगड़ नहीं पाए, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। क्योंकि संभावना बनेगी कि लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से कोई आपके वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो या कोई मन मुटाव हो, इस तरह का संयोग एक बार बन सकता है। तो आप उस ओर विशेष रूप से सजग रहिएगा कि कोई भी चीजें आपकी बिगड़ने नहीं पाए। उसके अलावा जो है आपका, चूंकि भाग्यश है आपका शुक्र, तो वो भी ग्रहण में आ रहा है। ये तो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ऊपर से और आप पिता के स्वास्थ्य को भी लेकर के, पिता के स्वास्थ्य को लेकर, अपनी हायर एजुकेशन को लेकर के, अपने भाग्य पक्ष को लेकर के, किसी तरह के आप अगर प्रकाशन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर के आपको करीब 16-17 जून से लेकर के 27-28 जून तक का जो पीरियड रहेगा, उस पीरियड में आप काफी केयरफुल रहिएगा। उस समय को आप बहुत पेशेंसली निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो उसमें आपका जो 7वां स्थान है और 9वां स्थान, ये सारी चीजें आपके ग्रहण से प्रभावित होने के योग बन रहे हैं। तो कुंभ लगन वाले लोग जो हैं वो विशेष रूप से अपने पिता का, लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे, और साथ ही साथ जो है वो अपने माता, भूमि, भवन, वाहन, ये सब जो चीजें हैं इस ओर भी उनको बहुत सजग होकर चलना है कि उससे संबंधित कोई भी नया डिसीजन नहीं लेना है, कोई निर्णय नहीं लेना है। विशेष रूप से ये जो अपना पूरा टाइम रहेगा, लगभग 14 जुलाई तक का समय रहेगा, 14-15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक का जो पीरियड रहेगा, उस पीरियड में आप कोई भी नए स्टेप आप मत उठाइएगा। जो जो चीजें मैंने बताई हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, फादर, हायर एजुकेशन, इनसे संबंधित आपको कुछ भी नया स्टेप नहीं उठाना है, संतान से, शिक्षा से, इन सभी चीजों से। इसके बाद जो आपका मंगल की स्थिति है, मंगल अभी आपकी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, 10वें शुक्र के लगन में बैठे हैं, तो अभी आपका कार्यक्षेत्र की स्थिति अच्छी है। कार्यक्षेत्र में आपकी अभी कोई दिक्कत ऐसी चीजें नहीं है, और ये स्थिति, इसका ये आपको सपोर्ट मिलता रहेगा करीब 18 जून तक। 18 जून के बाद जब लग्न से निकल करके मंगल सेकेंड हाउस में जाएंगे, जहाँ पे उनकी राशि है मीन की, उनके मित्र की राशि है, तो वहाँ पे भी आपके कार्यक्षेत्र के लिए तो देखिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र जो भी आप बिजनेस, नौकरी, चाकरी कर रहे हैं उसके लिए आपको पीरियड अच्छा रहेगा। लगभग 45 दिन का समय जो रहेगा वो उस ओर से भी अच्छा ही निकलेगा कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन जैसे छोटे भाई बहन आपके हैं या पराक्रम वगैरह है, तो उसमें आपकी थोड़ी सी कमी आएगी। हो सकता है छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई वाद विवाद या उनसे कोई
मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें हो सकती हैं, जो आपका पराक्रम है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कुंभ राशि और लग्न वाले लोगों को। और वो स्थिति आपकी पूरी बनी रहेगी करीब जुलाई लास्ट तक रहेगा। जुलाई लास्ट तक जो है आपकी चीजें इस तरह से चलेंगी। और चंद्र ग्रहण का तो कोई विशेष आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है आपके दशम और चतुर्थ में बन रहा है, और ये चंद्र ग्रहण बहुत ही इसका जो इफेक्ट है बहुत कम है, क्योंकि बहुत पावरफुल ये ग्रहण नहीं है। इस चंद्र ग्रहण से तो आपको कोई विशेष रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और शनि और गुरु की जो स्थिति अभी है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी आपके साथ में क्या है कि आपका जो लग्नेश है वो अपने से द्वादश चल रहा है, हालांकि गुरु के साथ में है और गुरु आपके धनेश और एकादशी होकर के उनके साथ में बैठे हुए हैं, तो सपोर्टिंग तो है, लेकिन चूंकि लग्न का स्वामी अभी अपने से द्वादश स्थान में है, तो थोड़ा सा आपके अंदर एक मानसिक चिड़चिड़ाहट और एक आत्मविश्वास में कमी और एक आइसोलेशन की स्थिति भी आपके अंदर होगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान अपने प्रति भी रखना है कि आप अपने अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी ना लाएं और अपने आप को हताश निराश ना महसूस करें, क्योंकि जब आप खुद अपने को मजबूत करेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपकी अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कुंभ लगन वाले और जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा सावधानी जो उनको विशेष रूप से रखनी है, वो अपने लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर को लेकर के और अपने फादर से संबंधित चीज़ें हैं उसको आपको प्रिकॉशंस के साथ ले जाना है। जून महीना आपके लिए इस तरीके से रहने वाला है। और अगर इसको मैं नक्षत्र लेवल पे भी देख रही हूँ तो भी आपको लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ विशेष रूप से सामंजस्य बना के चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो ग्रहों की स्थिति है वो लगभग आपके लिए ठीक ही है। तो जून महीना आशा करती हूँ कि आपको प्लान करने में हेल्प मिलेगी कि जो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो रहा है जून के महीने में आपके ऊपर किस तरह का परिणाम लेके आएगा, इससे आपको एक हल्के से आइडिया लग जाएगी अपने इस महीने को प्लान करने में। तो विशेष रूप से जो आपका 14 जुलाई तक का टाइम है उसको आप संभाल करके चलिएगा। 17-18 जून से लेकर के 14 जुलाई तक का जो पीरियड है आप उसको संभाल लीजिएगा। उसके बाद जब आपके थर्ड ये सूर्य वहाँ से जब प्लेस चेंज करेंगे और आपके छठे स्थान पे आएंगे तो वो प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग हो जाएगी। वहाँ से आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें खुलना शुरू होंगी और बाकी चीज़ें जो भी जैसे चल रही हैं उनको चलने दीजिए, बहुत ज़्यादा फेरबदल मत करिएगा भी आप। हाँ, ये है कि आपका कार्यक्षेत्र वगैरह अच्छा है इस पीरियड में, आपका जो कार्यक्षेत्र है जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं सर्विस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए भी फेवरेबल बनी हुई हैं। सिर्फ आपका फादर लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर की ओर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आशा करती हूँ इससे आपको ये महीना प्लान करने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।